विशालकाय ब्रह्मांड और इसमें मौजूद अनेकों खगोलीय पिंडों ने मानव जाति को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अक्सर हमें वैज्ञानिकों द्वारा अजीबोगरीब बातों का पता चलता रहता है, फिर चाहे वो स्पेस में एलियंस की मौजूदगी हो या फिर सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के समान गतिविधियां दिखाने वाले उल्का पिंडों की। बहरहाल, हम जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जिसे लेकर कुछ वैज्ञानिकों का तो कहना है कि इसी के कारण आने वाले कुछ सालों में हमारी धरती पर विनाश आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उनके अनुसार हमारे सौरमंडल में एक ऐसा रहस्यमय ग्रह भी है जिसका नाम निबिरु रखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि उनके अनुसार ये निबिरु ग्रह हमारी मानव जाति के लिए बेहद खतरनाक है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि जिस निबिरु ग्रह को सौरमंडल का नौवां ग्रह बताया जाता है वो कुछ ही सालों में हमारी धरती के साथ टकराने वाला है, जिसके प्रभाव से धरती पर जीवन तबाह हो जाएगा और सारी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। कई साइंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टक्कर न सिर्फ पृथ्वी के लिए नुकसानदायी हो सकती है बल्कि इंसानों के लिए भी। दोस्तों, इस ग्रह के अस्तित्व की कहानी सन 1976 में शुरू हुई जब ज़ेकरिया सिचिन ने द 12th प्लेनेट नाम की एक किताब लिखी थी। इसी किताब में सिचिन ने सुमेरियन क्यूनिफॉर्म्स के अनुवाद का इस्तेमाल कर एक ग्रह निबिरु की पहचान करने के लिए कहा गया था जो हर 3600 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके कई सालों बाद खुद को साइकिक बताने वाली नैन्सी लाइडर ने घोषणा की कि जिन एलियंस के बारे में उन्होंने दावा किया था उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि निबिरु नाम का ये ग्रह 2003 में पृथ्वी से टकरा जाएगा। मगर 2003 में जब कुछ नहीं हुआ तो टकराव की तारीख को 2012 में वापस ले जाया गया, और जब 2012 नजदीक आते आते साल 2011 में धूमकेतु हेलेनिन दिखाई दिया था तो कई लोग इस बात से घबरा गए थे कि ये कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमय ग्रह था जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने दावा किया था। इस तथ्य के बावजूद कि दूरबीन के नीचे ग्रह और धूमकेतु बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धूमकेतु में गैस का वातावरण होता है जिसे कोमा और टेल कहा जाता है, जबकि ग्रह में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल उस वक्त हुआ कुछ यूं था कि ये कॉमेट यानी पृथ्वी के करीब आने के बजाय सूर्य के बहुत करीब चला गया था और अलग अलग टुकड़ों में टूट गया था। बचे हुए टुकड़े अगले 12,000 वर्षों तक इसी सौरमंडल की ओर बढ़ते रहेंगे और ये हमेशा हमारे सूरज का चक्कर लगाते रहेंगे। एक ग्रह जिसकी कक्षा इतनी विलक्षण है कि उसे सूर्य की परिक्रमा करने में 3600 वर्ष लग गए वो हमारे 4.5 अरब वर्ष पुराने सौरमंडल के अंदर अस्थिरता पैदा करेगा। केवल कुछ यात्राओं के बाद ही उसके गुरुत्वाकर्षण ने अन्य ग्रहों को काफी हद तक बाधित कर दिया होगा, जिसके स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल ने काल्पनिक दुनिया की उस कक्षा को काफी हद तक बदल दिया होगा। सैद्धांतिक ग्रह के अस्तित्व के खिलाफ तर्क देने वाला और सबसे आसान और सबसे सत्यापन योग्य साक्ष्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 3600 साल एक लंबी कक्षा वाला ग्रह जो 2012 में पृथ्वी से टकराने वाला था उपलब्ध होना चाहिए, अपनी नग्न आँखों से वो दिखना चाहिए। आसानी से की गई गणना से ये पता चलता है कि अप्रैल 2012 तक ये एक शहर से देखे गए सबसे कमजोर सितारों की तुलना में अधिक चमकीला होगा और लगभग सबसे कम मंगल ग्रह जितना तो चमकीला होगा ही। इससे ये हर जगह पर खगोलविदों को दिखाई देने लगेगा। इसका सबसे आम खंडन कवर अप का रोना है। हालांकि इस दुनिया भर में सैकड़ों हजारों की संख्या में शौकिया खगोल शास्त्री हैं, जिनमें से कई के पास अपनी दूरबीनें हैं। इसके अलावा हजारों पेशेवर खगोलविदों में से अधिकांश सरकार से नहीं बल्कि निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। खगोल शास्त्री डेविड मॉरिसन ने 2012 में बताया था कि नासा और सरकार को अपनी अधिकांश जानकारी इन बाहरी खगोलविदों से मिलती है। शौकिया और पेशेवर खगोलविदों के बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आकाश में एक नया तारा देखा होगा। अफवाहें इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलती हैं, लेकिन वही तकनीक ऐसी घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक प्रमाणों की पड़ताल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकती है। इन शोधकर्ताओं का कहना है कि सबसे अच्छी व्याख्या सूरज से बहुत दूर एक अदृश्य परेशान करता है। गणना से पता चलता है कि ये ग्रह 9 पृथ्वी से लगभग 10 गुना अधिक विशाल हो सकता है और हमारे ग्रह की तुलना में सूर्य से औसतन 600 गुना अधिक दूर परिक्रमा कर सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर के खगोलविद शक्तिशाली दूरबीनों के साथ आकाश को छान रहे हैं और प्लैनेट 9 को सीधे देखने की कोशिश कर रहे हैं।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अकॉर्डिंग नेबिरू महज एक काल्पनिक ग्रह है, जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नेबिरू आकार के मामले में सौरमंडल के ग्रह नेपच्यून से मिलता जुलता है। इसके अलावा ये काल्पनिक ग्रह भी बाकी ग्रहों की तरह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। मगर इन सब के साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, प्लूटो से भी बहुत ज्यादा दूर, और यही वजह है कि सूर्य के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में नेबिरू को पूरे 20,000 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। पृथ्वी की तुलना में नेबिरू का मास पूरे 10 गुना अधिक है। हालांकि इसे हकीकत में एक ग्रह के रूप में स्वीकार करने से नासा ने सिरे से इनकार कर दिया है। इसके अनुसार ये महज काल्पनिक ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है, न कि बाकी ग्रहों के समान एक वास्तविक ग्रह के रूप में। उपरोक्त सभी के बावजूद वास्तव में बाहरी सौरमंडल की अंधेरी ठंडी गहराइयों में एक बड़ी अनोखी दुनिया छिपी हो सकती है। इस काल्पनिक प्लैनेट 9 के प्रमाण पिछले कुछ वर्षों से बन रहे हैं, क्योंकि माइक ब्राउन, कॉन्स्टेंटीन बैटकिन, स्कॉट शेफर्ड और चैड ट्रूजिलो जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने नेपच्यून से परे छोटी छोटी वस्तुओं की कक्षाओं में अजीब क्लस्टरिंग होते हुए देखी है। इसी प्रकार के दावे दोनों तरफ से आ रहे हैं। कुछ लोग आज भी इसे हमारी पृथ्वी के लिए बेहद खतरनाक समझते हैं, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक आज भी इसके अस्तित्व को नकारते आए हैं। मगर दोस्तों, आप इस ग्रह के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप भी इस ग्रह के बारे में और विस्तार से जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आगे भी सौरमंडल और अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।